पिंटू, मेरा प्रोफेशन स्टूडेंट हूँ मैं बंगाल इस्लामपुर से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा सवाल आपसे ये है सर कि जो लोग अल्लाह के राह में शहीद हो गए वो जिंदा हैं या के मुर्दा? और सर एक बात, इस सवाल में अगर छोटी सी और भी बीच में कोई सवाल पैदा हो तो आप बुरा नहीं मानिएगा। क्या उठने वाला है वो भी मैं जानता हूँ, क्या उठने वाला है वो भी जानता हूँ मैं, क्योंकि मेरा फन है ये सवाल जवाब, मेरा फन है, मैं आपको पहली बार सुन रहा हूँ। क्या उठने वाला है वो भी जानता हूँ, इसीलिए मैं जवाब दूंगा और आपको जवाब भी मिल जाएगा उसके अंदर इंशाल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि जो शहीद होते हैं वो जिंदा होते हैं या मुर्दे होते हैं, ये कुरान मजीद की आयत है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 154, इसमें लिखा है कि जो लोग शहीद हुए वो जिंदा है। इसके पस मंजर ये है कि जंग के मैदान में जब जंग होती है मुसलमान और दुश्मनों के साथ, तो जब दुश्मनों कुछ मुसलमान का कत्ल करते, मुसलमान कुछ उनका कत्ल करते, उस वक्त कहा जाता है कि आपके जो लोग मरे वो तो गए, हमारे लोग अब तक जिंदा है, मतलब नॉट फिजिकली, फिजिकली तो लोग मर गए मतलब फिजिकली मर गए, डॉक्टर कोई बोलेगा मर गए, तो फिजिकली मर गए, जिंदा मतलब आखिरत में इंशाल्लाह इन लोग जन्नत में जाएंगे, उसका मतलब ये नहीं कि फिजिकली अलाइव उनको दफनाया गया। जिंदा इंसान को दफनाना हराम है, अगर वो फिजिकली जिंदा है तो दफना थोड़ी सकते हम उनको, दफना नहीं सकते। तो ये कुरान की आयतें पस मंजर में पता चलता है जिंदा है मतलब आखिरत में उनको इनाम मिल गया, इन लोग जन्नत में जाएंगे, आप लोग दोजख में जाएंगे, उसका ये मानिए। अभी सवाल का जवाब पूछ सकते हैं, कौन सा सवाल पूछने का? सर सवाल का जवाब मेरा ये नहीं था जो आप दे रहे हैं सर। नहीं नहीं, आपका दूसरा सवाल क्या है? सर सवाल का जवाब मेरा अभी अधूरा लगा, आप बुरा ना माने, आप इसका पूरा जवाब दें सर। मैंने जवाब दे दिया ना, क्या मानिए, बोल दिया ना, फिजिकली मर गए। सर एक मिनट सर, आपका सवाल था जो लोग शहीद हुए जिंदा है क्या मर गए फिजिकली? भाई साहब सुन रहे क्या नहीं आप? आप बोलते उर्दू जानते, आपको जवाब ऐसा मिला कि दूसरा सवाल निकल रहा नहीं बाहर, मैं जानता हूँ क्या सवाल था आपका, ये मेरा फन है। आपका सवाल था कि शहीद लोग जिंदा है क्या मर गए, कुरान के आयते जिंदा है फिजिकली इनोक डेड है, शहीद मतलब शहादत देते मर जाना, तो फिजिकली डेड है लेकिन आखिरत में इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, आखिरत में जिंदा रहेंगे, ये जवाब है। तो जिंदा रहेंगे सर आखिरत में, इस दुनिया में नहीं, इस दुनिया में मर गए तो आखिरत में जन्नत में जाएंगे, आखिरत में तुम भी जिंदा रहेंगे मैं भी जिंदा रहूंगा, यहाँ जिंदगी मतलब इन लोग जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। क्वेश्चन करें सर, क्वेश्चन करो सर, आप कह रहे जिंदा रहेंगे तो क्या आखिरत में, इस दुनिया में नहीं, रिपीट करो मेरा जवाब सर। आखिरत के बारे में हम नहीं बोल रहे, हम इस दुनिया के बारे में, इस दुनिया में मर गए इन लोग, जो शहीद है वो मर गया, आगे बोलो। तकुलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात वल अहयाउ वला किल्ला तशरून, इसका तफसीर बताइए सर हमें। अरे वही तो मैंने बोला, मैं जानता हूँ आप गैर मुस्लिम है। सर गैर मुस्लिम हूँ सर, लेकिन मैं, आप गैर मुस्लिम है क्या? मुसलमान गैर मुस्लिम का नाम लेके सवाल पूछ रहे? सर मेरा नाम पिंटू दास है, बोल दिया हूँ पहले सर। बराबर, आप जो कह रहे हैं मैंने वही आयत की तशरीह दी, हवाला देखिए, आप नहीं समझे तो मैं क्या करूँ? नहीं सर, दीदा कॉलेज प्लांटेड क्वेश्चन, आपने सवाल पूछे मैंने जवाब दिया कि इस दुनिया में वो लोग मर चुके हैं, जिंदा मतलब आखिरत में इन लोग जन्नत में जाएंगे, जवाब साफ है, लेकिन जो चाहते थे आपको वो आपको जवाब नहीं मिला इसलिए आप फंस गए। अब हम चलते हैं माइक नंबर 2 पर, वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं।